औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपसे चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, 11 नहीं, 11 जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री है, 14 हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है, जो सिर्फ मैट्रिक क्लास के अंदर है, इस साल 9 में नहीं है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 9 क्लास में नहीं है। इसमें पहला सबसे एक ही टॉपिक जो है इस साल आपके लिए हमारे पास मौजूद है, क्योंकि रिडक्शन हुआ हुआ है, कोर्स रिड्यूस है, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने का तरीका सिर्फ हमने आपसे डिस्कस करना है, इसके ऑपरेशंस नहीं करने, जो बुक में मुख्तलिफ टाइप्स के ऑपरेशन मौजूद हैं। तो हमारे पास कोर्स में जो इस वक्त एक्सरसाइज आपके लिए मौजूद है वो सिर्फ 14.2 है, और 14.2 के क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 6 तक हैं, ठीक है। तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज़ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की डेफिनेशन, ज्योमेट्री क्या होती है, कोई डिफाइन करेगा? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों से, इतने बड़े बड़े हो गए आप लोग। ज्योमेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जियो एंड मेट्री। ये जियो वर्ड अलग है और मेट्री मीन अलग है। अब जैसे आप जियो न्यूज़ होता है, जियो चैनल होता है, जियोग्राफिक होता है, ये मुख्तलिफ नाम सुने हैं ना सबने, तो ये जियो हर जगह यूज़ क्यों हो रहा है? जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ज़मीन, और मेट्री मीन मेजरमेंट, स्टडी, मेजरमेंट। सो द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन ये है, लेकिन यहाँ पर हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मीनिंग तो उसकी वही होती है डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं कि जो एक शेप है, अर्थ की शेप है, उसकी हम उसकी स्टडी अगर हम करें अर्थ की, तो ये ट्राइंगल भी एक अर्थ के ऊपर ही एक शेप है, तो उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ फॉर्मेशन की, क्योंकि ट्राइंगल को प्रॉपर स्टडी किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आए देखें, सबसे पहले गौर से देखें हम फॉर्मेशन किस तरह करते हैं। जब भी फॉर्मेशन हमें दी हुई होगी क्वेश्चन, तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बनी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि 6 सवाल हैं, इसी को कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर ये मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास या तो हमें 3 लाइन गिवन होती हैं, ये मेजरमेंट का मतलब है नापना है हमने स्केल से, एम फॉर मेजरमेंट, दो वर्ड्स के ऊपर अगर लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमने, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू एक लाइन है जो पी से शुरू होकर क्यू पे ख़त्म हो रही है, क्यू आर भी एक लाइन है जो क्यू से आर पे ख़त्म हो रही है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ हम मेजर करेंगे स्केल से, और उसके बाद मेजरमेंट एंगल, ये एंगल का सिंबल, एंगल क्यू जो है वो 65 डिग्री है। अब हमने इसको फॉर्म करना है। अब या तो हमें 3 लाइन गिविन होती हैं, या फिर 1 लाइन 2 एंगल गिविन होते हैं, या 2 लाइन 1 एंगल गिविन होते हैं। ये 3-4 तरीके फॉर्मेशन करने के हैं, जो अभी आपको सारे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हमें 3 चीज़ें गिविन हैं, तो लाजमी बात है सबसे पहले एंगल नहीं, हमें लाइन चूज़ करनी है। एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 4.5, दोनों में बड़ी कौन सी है? 5, उसका नाम क्या है? PQ. तो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर नेम्ड PQ, क्योंकि हमने इसकी जो है वो भी लिखनी होती है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने जो क्या कर रहा है वो लिखेंगे आप। तो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट, देखें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ करी जो पी से शुरू होके क्यू पे ख़त्म हो गई, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर। हम हमेशा बड़ा नंबर इसलिए चूज़ करेंगे कि हम उसको बेस बनाएंगे, ताकि ट्राइंगल जो है ज़रा मैनर्स में बन जाए। आप ये भी लाइन ले सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। ये बना लिया आपने P से लेके Q तक। नाउ वी हैव द 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब मेरे पास एंगल कौन सा है? Q है। तो अब मेरे पास जो D मौजूद है उसको एंगल 65 है, मैं उसको यहाँ पर रखूँगा D को, ठीक है। जब यहाँ रखूँगा तो इधर से काउंट करेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो उधर से काउंट करेंगे, ठीक है। D यहाँ रखेंगे और 65 काउंट करेंगे यहाँ से, तो 65 का जो भी एंगल होगा हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एंगल किसका है? क्यू का ना, तो क्यू पे रखेंगे। अगर यहाँ पर एंगल मेरे पास बी होता तो फिर मैं यहाँ रखता, ठीक है। तो क्योंकि एंगल क्यू है तो मैंने वहाँ रखा और इस तरह ड्रॉ किया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? इजी है।
अब मेरे पास क्या बचा, क्यू आर कितना है 4.5। अब मैं प्रकार खोलूँगा, प्रकार को मैं 4.5 खोलूँगा, ठीक है ना। तो क्यू और आर ये दो नाम है, क्यू और आर, तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा मौजूद है, क्यू। तो 4.5 मैं यहाँ पर खोलूँगा प्रकार को, और यहाँ रख कर इसको कट कर दूँगा, इस लाइन को, इस लाइन को जब मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये जो मेरे पास पॉइंट आएगा तो ये मेरे पास आर पॉइंट हो गया। और फिर इसको जो है जो हमने आर्क लगाई है, इस आर्क को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल इस तरह हमें हासिल होगा। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ट्राइंग, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब मैं कहूँगा कि डी को यहाँ रखकर मैंने 65 का एंगल बनाया, और विद द हेल्प ऑफ डी वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट पॉइंट क्यू, ठीक है। उसके बाद जब आर्क लगाएंगे तो आर्क लगाने के लिए अब आप कहोगे कि प्रकार मैंने यहाँ रख के एक आर्क लगाया, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 का। तो प्रकार को यहाँ रख के ज्योमेट्री में हम यूज़ करते हैं विथ सेंटर, वर्ड यूज़ करते हैं क्या, विथ सेंटर, विथ सेंटर क्यू, यानी क्यू को मरकज मान के, यानी यहाँ पर रख कर आर्क लगाया, इसको हम कहेंगे विथ सेंटर, विथ सेंटर क्यू वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। देन वी टेक अ पॉइंट आर एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट आर टू पी, सो वी गेट अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, ये आपको खुद ही लिखनी है, जो बात समझ आ रही है उसको खुद ही लिखनी है, ठीक है। ये सवाल है, ये आपको गिविन मिलेगा, ठीक है ना। इसमें अब कोई प्रॉब्लम इसमें, अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन टू जो है हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो है वो पी एंगल जो है वो 70 डिग्री है, ठीक है। अब आपने फॉर्मेशन करनी है, आपने जो फर्स्ट वाला हमने किया उसमें आर्क लग गई, उसमें आपने जो कट कर लिया और उसके बाद उसे बना लिया, ठीक है। अब देखें इसमें, अब जो भी अब आपने ड्रॉ करना है, आपके लिए ये कन्फ्यूजन नहीं है कि उसकी शक्ल क्या बन रही है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं है उसकी शक्ल क्या बन रही है। हमने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, पी से क्यू तक 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो गई, बेटा इधर देखें ड्रॉ हो गई ना। अब उसके बाद एंगल कौन सा है, पी पे रखे आपने 70 का एंगल बना लिया, यहाँ डी रखी, ये 70 का एंगल आपके पास 70 डिग्री आ गया। अब आपने 6 सेंटीमीटर का जो है प्रकार खोला, और यहाँ पर पी क्यू और आर है, क्यू और आर है। अब आपने क्यू पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा दें आप, ठीक है। 70 नीचे वाले से निकालना ऊपर वाले से, बेटा जब यहाँ रखेंगे तो राइट से काउंट करेंगे, जब लेफ्ट पे रखेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे। ये आपने आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, ठीक है। ये कट नहीं हो रहा ना, आप इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो हमें सवालों की जो मेजरमेंट दी गई है, इस मेजरमेंट के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब आपका चाहे क्वेश्चन नंबर 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, 5-6 पॉसिबल हो जाएगा। तो जो पॉसिबल हो रहा है उसे पॉसिबल कर लें, जो नहीं हो रहा वो नहीं है, क्योंकि सवाल जिस कंडीशन पे आपको दिया है आपने उसी कंडीशन पे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है बेटा। अभी एक बात और समझ लें इसमें ट्राइंगल में, अब सपोज दैट जो है आपको काशिफ, सपोज दैट आपको 3 लाइनें दी हुई हैं, मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट सी ए 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको 3 लाइंस गिवन है, तो सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया ए से बी तक, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब ये बी और सी है, बी और सी में मेरे पास बी पॉइंट मौजूद है, मैंने 4 सेंटीमीटर का प्रकार आप खोलेंगे विद सेंटर बी, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन क्या है, सी ए, और मेरे पास ए मौजूद है, तो मैं 4.5 का प्रकार खोलूँगा, इस आर्क को कट कर दूँगा, तो ये मेरे पास पॉइंट सी आ गया, ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ आर्क विद पॉइंट बी एंड सी, सो वी गेट अ ट्राइंगल, ठीक है। जब 3 लाइनें गिवन है, क्योंकि हमने 14.2 भी हमने करनी है और 14.1 भी करनी है, ये हमारे पास हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास 2 एंगल आ रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल
बी, एक मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री और एक आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री 45 डिग्री मजबूरन एक ही लाइन है, वो कोई सी भी है, वो हमने ड्रॉ किया ए बी 5 सेंटीमीटर। ए पे रखा हमने, कितना एंगल है 60 का एंगल ड्रॉ कर दिया हमने। फिर उसके पास बी है हमारे पास, बी पे हमने रखा, कितना एंगल है 45, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी, हो गया फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं ट्राइंगल को बनाने के, पहला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास तीन लाइंस थी तो हमारे पास दो एंगल थे। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो ट्राइंगल में या किसी और तरीके का हो और ना आप बन रहा हो तो फिर आप बताइएगा, फिर उसको भी इंशाल्लाह बनाएंगे।